आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि टोटका क्या होता है। लोग कहते हैं यार ये टोटका बताता हूँ कर ले तेरा अच्छा हो जाएगा। तो ये टोटका क्या होता है ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। देखिए टोटके को यदि हम परिभाषित करें सिंपल और साफ शब्दों में, तो टोटका सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सरल उपाय होता है जो ज्योतिष के दोष को दूर करने के लिए और बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और टोटके का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो टोटका वह विज्ञान है जिसके संतुलित समयबद्ध और निरंतर प्रयोग करते रहने से समस्याओं का निराकरण संभव हो सकता है। जो बातें हमारा कार्य सिद्ध करवा देती है तथा हमारी समझ से बाहर है उन्हें हम अलौकिक कह देते हैं, अलौकिक अर्थात जो हमारे लोक की ना हो। तो ऐसे ही अलौकिक पदार्थ प्रयोग कर्म जो अल्प समय में और न्यूनतम प्रयास द्वारा संपन्न किए जाते हैं टोटका कहलाता है। अगर हम यह कहें कि अपने कष्ट को दूर करने के लिए कोई सरल उपाय या फिर सरल क्रिया की जा सकती है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान चाहता है और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है। और ऐसी बात नहीं है कि टोटके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ कठिन टोटके ऐसे होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो जनरली आप देखते भी हो कि यार कभी कभी रास्ते में हम चलते हैं कुछ फेंका हुआ होता है, इस तरह के नुकसान भी होते हैं। एनीवेज टोटका फलीभूत होने के पीछे दो बातें ध्यान रखना अति आवश्यक होती है, एक तो इनको करते समय कोई टोके नहीं, और दूसरे इनके प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा और आस्था कर्ता के मन में होनी चाहिए। आपने प्रायः सुना ही होगा कि कमर की नस यदि चढ़ जाए तो इसे सामान्य भाषा में चीख चढ़ना कहते हैं। तो किसी ऐसे बच्चे के पैर 7 बार पीठ पर लगवा देने से वो ठीक हो जाता है जो उल्टे पैर जन्मा हो, तो क्या है ये टोटका ही है। अगर कोई किसी यात्रा या अन्य किसी प्रयोजन से घर के बाहर निकल रहा हो और उसी समय अचानक कोई दूसरा चीख दे तो घर से बाहर जाने वाले थोड़ी देर के लिए कहकर रुक जाते हैं कि शायद कोई अपशगुन हो सकता है, करेक्ट। ऐसे ही जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं या रास्ता बदल देते हैं। तो यात्रा पर या किसी विशेष कार्य पर जाने से पहले पानी पीना या दही का सेवन करना आदि सभी टोटके की श्रेणी में ही आते हैं, इसे टोटका कहते हैं। तंत्र की भाषा में टोटके साधारण प्रभावशाली होते हैं और इनके उपाय भी बड़े ही साधारण होते हैं। कभी कभी बच्चों को नजर लग जाती है, ये अकाट्य सत्य है। नजर लगने पर प्रभावित बच्चे के ऊपर से नमक मिर्च उतार कर जलाई जाती है, लहसुन की कली, जायफल, नीलकंठ का पर यदि का नजरबट्टू डालना अथवा उसके माथे पर काजल का टीका लगा देना, ये सब टोटके पे ही आता है। काले धागे का पहनाना तो अधिकांशतः प्रचलित ही है। छोटे बच्चे को दांत निकलते समय कभी कभी असहाय पीड़ा जनित परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए अनेक बार में एक टोटका करवा दिया जाता है। बच्चे के गले में रोहू मछली के 5 दांत आगे के बांध के लटकवा दीजिए, चमत्कारिक रूप से फायदा होता है। तो ये सब टोटका ही है। कुछ ट्रक के पीछे आप देखते हैं बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, बुरी नज़र वाले तेरे बच्चे शराब पिए, ये सब लिखा जाता है। तो टोटके में अविश्वास करने वाला व्यक्ति भी इन्हें किसी न किसी रूप में प्रयोग करता अवश्य दिखाई देता है। तो नज़र के असर को बेअसर करने के लोग अपने अपने तरीके से अथवा सुविधा अनुसार कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। तो एक बार अगर आसातीत लाभ हो गया तो उन्हें इसमें विश्वास हो जाता है। अभी टोटके के भी कई प्रकार होते हैं, टोना भी होता है। कुछ विशेष परिस्थिति में विशेष कार्य सिद्धि कामना पूर्ति के लिए विशिष्ट तंत्र मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या किसी अन्य मंत्र का जप विधि विधान से करना टोना कहला जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है टोने और टोटके में। जैसे अगर किसी चौराहे पर कोई नींबू रखा कोई रख गया है
और दूसरा व्यक्ति उस नींबू के ऊपर से गुजर जाता है, तो जो व्यक्ति उस नींबू के ऊपर से गुजरा होता है उसे कुछ ना कुछ और मतलब नुकसान होने की आशंका रहती है ऐसा माना जाता है। परंतु अधिकतर टोटके जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ फायदे ही पहुंचाते हैं। 100 में से 95 टोटके सुरक्षित होते हैं, तो 5 ऐसे भी होते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। महिलाओं के ऊपर 3 स्थितियों में सर्वाधिक टोटका किया जाता है। बुराई अथवा किसी का अनर्थ करने के लिए किए गए टोटकों का दुष्प्रभाव बहुत ही जल्द दिखाई भी देने लगता है। और ऐसा नहीं कि टोटका केवल व्यक्ति पर ही प्रभाव डालते हैं, यह पशु पक्षी फल फूल वनस्पति फैक्ट्री दुकान सब पर प्रभावी होते हैं। यहाँ टोटकों का वैज्ञानिक आधार नहीं खोज रहे हैं, वैज्ञानिक को भी समझ में नहीं आता है। वहां ये नहीं समझे कि अंधविश्वास है, ये अदृश्य रूप से अपना कार्य कर जाते हैं। पेड़ पौधों में बलि के नाम पर जून दिया जाता है, अनेक बेलों में कटहल आदि के पेड़ों में टोटका स्वरूप मछली दबाई जाती है। कुछ फलदार वृक्षों में लोहे के कील अथवा अनेक उपकर्म जादुई शक्ति अथवा चमत्कार की तरफ प्रतीत होते हैं। और आज तक जो वैज्ञानिक है वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर में टोटका होता क्या है। चमत्कार को नमस्कार वाली व्यर्थ ही नहीं कही जाती है, तो ये होता है। आज चिकित्सा विज्ञान न सर्वसम्मति से यह मान लिया है कि रोग से भरे वातावरण को विशुद्ध बनाने के लिए पानी से भरा खुले मुंह वाला बर्तन बहुत लाभप्रद होता है। इसी प्रकार रोग के मूल घातक गैस तथा रोगाणु उसमें समा जाते हैं और वातावरण जो है संक्रामक नहीं हो पाता है। हाथ में नीम की टहनी मोर का पंख आदि लेकर किसी को झाड़ने अथवा टोटका करने का भी यही अभिप्राय होता है, वैज्ञानिक आधार होता है कि रोग के घातक कीटाणु टहनी अथवा पंख या अन्य जो भी साधन प्रयोग किया जा रहा हो के अग्रभाग पर एकत्रित हो जाए, उन्हें फिर जल धरती अथवा अन्यत्र फेंक दिया जाता है और इस प्रकार रोगी ठीक भी होने लगता है। आपने सुना होगा देखा होगा। तो टोटका विज्ञान इस प्रकार से अदृश्य रूप से कार्य करता है कि हमारी साधारण बुद्धि उसे समझ नहीं पाती है। तो आज आवश्यकता है योग्य टोटका मास्टर की तलाश की और इनको परखने समझने वाले वैज्ञानिक दृष्टि की। तो यही टोटका है जो मैंने आपको बताया है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हरदम आता रहता है कि क्या टोटका करने से कोई फायदा होता भी है या नहीं, या सिर्फ यह एक अंधविश्वास है और लोग इसे ऐसे ही मन मर्जी के मुताबिक करते हैं। परंतु जो लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं ये उनकी सोच है, परंतु इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसका पता आज तक वैज्ञानिक लोग भी नहीं लगा पाए हैं। इसलिए विश्वास के ऊपर आधारित होता है कि लोग टोटके को सच मानते हैं या फालतू। हालांकि जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उसे आजमाते भी हैं। अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो टोटका वास्तव में लाभ देता है अगर उसे सही क्रिया से किया जाए तो। धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।